और इसने स्टीम ले लिया। माय गॉड, सच में यार मेरे से ना ये बर्तन भी नहीं धुलवाती। मैं कभी कभी सोचता हूँ क्या बताऊँ यार, क्या बर्तन धोते हो? नहीं सच, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट लड़की की। ओजी 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 स्लो, गो 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 गो, ओ माय गॉड। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी मॉर्निंग में सुबह सुबह मैं अभी सो कर उठा हूँ और घर में कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो सबसे पहले मैं वो लेने के लिए आया हूँ। देखो शक्ल से लग रहा है मुँह धो के भी नहीं आई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब कुछ चीज़ें ही हैं और इतनी लेट हम सो के उठे हैं तो घर पहले थोड़ा सा सामान लेंगे, सामान लेने के बाद फिर हम घर पर आएंगे और घर पर कुछ ऐसी चीज़ें होगी तो हो सकता है सारी चीज़ें, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़े। घुमा के सामान लूँगा जाके। चलो वो तो क्या क्या खत्म घर में, जल्दी बताओ। भगवान जी का प्रसाद, ये भगवान जी का प्रसाद, इसको बहुत याद रहता है क्योंकि भगवान जी का प्रसाद जो होता है ना मीठा मीठा चनौरी जो होती है ये चढ़ाने से पहले खुद ही खा जाती, तो इसने पूरा डब्बा ख़त्म कर दिया। तो इसको बहुत अच्छे से याद इसलिए क्योंकि इसको मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, भगवान जी का प्रसाद तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर हम चाय भी चढ़ाते हैं तो उसको भी ठंडी चाय को भी पी जाएगी। तो चलो अभी थोड़ा हम सामान लेते हैं, सामान लेने के बाद फिर हम घर पर चलते हैं, आज हो सकता है सारा काम मुझे ही करना पड़े। कौन सा पसंद है सबसे ज़्यादा आप बताओ, भगवान जी को तो थोड़ा सा चढ़ता है, आपको पूरा ही, आपको तो पूरा लेना पड़ता है, जल्दी बताओ कौन सा लेना है। ज़्यादा ही मस्त लग रहा है, इसको अपना टेस्ट देखना, भगवान जी का नहीं देखना कि हाँ कौन सा, और इसको भी पता है कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा। चौकोस में क्या? अरे मिल्क और चौकोस। क्या कह रही थी, मिडनाइट स्नैक्स होते हैं? हाँ। कैसे पता आपको मिडनाइट स्नैक्स होते हैं? मैंने यूट्यूब में सुना है। ये हॉलीवुड के जितने भी व्लॉग्स होते हैं ना बच्चों के वो फॉलो करती है, तो सारी नकली चीज़ें इसको खाना बहुत पसंद है, तो कहती चौकोज ले लो मिड नाइट स्नैक्स क्योंकि रात में बहुत लेट तक सोती है ना भी है, मतलब सॉरी बहुत लेट, अरे कहना क्या चाहते हो, बाद सोती है मतलब रात में बहुत लेट सोती है। ये उजल के लिए बनाया जा रहा है क्या? स्माइलीज जी, वो सेम ही है लेकिन इसको इनको देख देख के एकदम खुश होके खा लेती है बस। और भी है मेरे वहाँ पर, और भी है देखो यहाँ पे स्पेशल बनाया जा रहा है उजल के लिए। आओ दादी मैं आपको दिखाती हूँ। ये नक्कड़ काले, नक्कड़ पाड़े और डैडी बन गए, चीज वही है लेकिन टेक्निक बदल दी। अब चलो मम्मा, चल देखो और भी बन गए। ओके भोजन को दे ज्यादा पसंद आए सही है, नमक वाले मीठे में थोड़ा मीठा कम रहेगा ना, अभी मैं इनको कुछ और चेंज कर दूंगी इनका स्टाइल पूरा। कैसे चेंज कर देगी? चीनी की चाशनी वो जो ऊपर थोड़ी सी कोटिंग आ जाती है ना शुगर की, हां वैसे वाली का गिर गया। अच्छा इसमें और एक्सपेरिमेंट करना बाकी है, ये तो मेरा काम ही है। मजे है ना आप लोगों के खाने को मिलता है, मस्त प्लेट सजी हुई है ऐसे सामने जाती है, लो जी खाने खा लो। तो गाइस खाना पीना बहुत अच्छा हो गया, पेट पूजा बहुत अच्छी हो गई है, तो अभी इनका चेहरा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बना हुआ खाया है ना आपने, थक गई मैं खाना बनाना, ये थक गई सच में बहुत ज़्यादा। तो इसने हमारी सेवा की, खाना पीना बहुत अच्छा बनाती है सच में, मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप तो बस एक यही बात रहती बोलने की, खाना पीना बहुत अच्छा बनाती है। जो क्वालिटी है वो क्वालिटी तो बतानी पड़ेगी ना, अब क्वांटिटी थोड़ी बताऊंगा कि रोज कितना। तो बताओ क्या सेवा की जाए तुम्हारी? मेरी तो कुछ नहीं सेवा की, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, आप ओजल को थोड़ा सा बाहर लेके जाओ। हाँ भाई उसकी छुट्टी खत्म नहीं होती अभी, मतलब हमारे टाइम में स्कूल में सिर्फ संडे पकड़ना भारी पड़ जाता था हमें कि कब संडे आए तो थोड़ा घूमे फिरे दोस्तों से बात करें, यहाँ तो भाई सैटरडे संडे तो है ही छुट्टी, किसी की जयंती तो छुट्टी, मेरी कोई छुट्टी नहीं, मेरी तरफ मत करो, आप बाप बेटी की छुट्टी रहती है बस, संडे मंडे यहाँ तो कोई भी हो, संडे मंडे ट्यूसडे कुछ भी हो, मेरी एक दिन भी छुट्टी नहीं रहती सच में, इसकी बिल्कुल भी छुट्टी नहीं रहती है। मैं चाहता हूँ तो छुट्टी ले पर ये छुट्टी लेती नहीं क्योंकि
इसको काम करना बहुत ज्यादा पसंद है, आलस के साथ। काम करना पसंद नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि किसी और के हाथ का काम पसंद नहीं है। सच में यार, मेरे से ना ये बर्तन भी नहीं धुलवाती, मैं कभी कभी सोचता हूँ क्या बताएं चल, क्या बर्तन धोते हो? नहीं सच में धुलवाती ही नहीं है। मैंने कहा चलो इतना काम कर दिया, एक दिन मैं सुबह जल्दी जल्दी उठ गया तो मैं चलो पूजा पाठ करते करते मैं बर्तन भी धो देता हूँ, तो वहाँ पीछे से आवाज आती है गुस्से में, रख दो। मैंने तुरंत ही रख दिया, चलो ठीक है रख देते हैं। तो फाइनली अभी इसको आराम दे देते हैं। मुझे 10 साल हो गए ना, मैं अपने घर का काम खुद ही करती हूँ, मतलब मैं बीमार हूँ चाहे कुछ भी क्यों ना हूँ, ये मुझे बोलेंगे चल आज खाना मत बना बाहर से मंगा लेते, कोई बात नहीं मैं दाल चावल बना लेती हूँ। सिंपल मतलब ऐसा है कि होता है ना, एक इंसान 10 साल से खुद अकेले ही सब काम कर रहा है तो उसको दूसरे के हाथ का काम पसंद भी नहीं आता और उसको अच्छा भी नहीं लगता है, तो अभी सेम वैसा ही हो गया। बस ऐसा ही लगता रहे और ऐसे ही हमें बाहर खाने से जाने से बचाती रहे और हमें बिल भरने से बचाती रहे। हालांकि घर पे सच में बहुत अच्छा खाना बना देती है, तो मैं आज इसको पूरा पूरा आराम देना चाहूँगा। मैं उजल को लेके जाता हूँ स्विमिंग पूल, उसमें थोड़ा उसको कूदने दो, नहाने दो, छुट्टियों का एंजॉय करने दो, तो मैं भी छुट्टी दी जाएगी। कभी भी कैमरा ऑन कर लेते हैं, बाल वाल देखना कैसे, कभी भी कैमरा को भी। ठीक है यार, नेचुरलिटी पसंद है लोगों को, आजकल नकली वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है, लिपस्टिक फेस पाउडर ये लगा लोगों गोरी चिट्टी रील्स दुनिया बनाती घूम रही है। मेरी बात तो सोचो, अगर आप में मतलब कोई जो भी हमारे व्लॉग देख रहे हैं अगर कोई भी मेकअप आर्टिस्ट हो तो मुझे बता देना, फिर मुझे तो मेकअप का एकदम जीरो है, मेरा मेकअप के मामले में मेरे पास क्रीम पाउडर भी नहीं है। ऐसे मत दिखाओ, आपको ही पता होगा 10 साल हो गए, पूछो आज तक इन्होंने मुझे क्रीम पाउडर कभी भी दिलाई हो तो। ये सच में बिल्कुल भी मतलब लड़की क्या बोलते हैं उसे, उसका कोई खर्चे नहीं है, बिल्कुल भी खर्चे नहीं है। मेरे पास क्या है, सिर्फ मम्मा अर्थ का फेस वॉश है और पतंजलि का एलोवेरा जेल है बस, वो भी हफ्ते में 2 दिन बाल लगा लेते हैं बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब मिनिमम जो होता है वो तो है लिपस्टिक बिंदी वो सब, बाकी क्रीम पाउडर नॉलेज ही नहीं है मुझे, क्रीम पाउडर आईलाइनर, सोचो आईलाइनर मुझे लगाना नहीं आता, मेकअप कर मुझे करना नहीं आता भाई। नेचुरलिटी यही तो नेचुरलिटी है, आजकल ऐसे कपल्स कहाँ और नेचुरलिटी, आजकल ऐसे कपल देखने को कहाँ मिलेंगे यार, घर में जूता बाज रहा है, कैमरे पे हाय हाय बेबी, ओ बेबी सोना ये चल रहा है, हमसे आज तक बेबी ना कहा गया, आई लव यू नहीं कहा गया, फोन पे बहुत कहा, शादी के बाद निकलता ही नहीं, इसका तो बिल्कुल ही निकलता। क्या है वो जो है वो तो इंसान को पता ही रहता है, वो दिखता भी ऐसे, बताना दिखाना जरूरी है। तो सच में बहुत ज्यादा थक चुकी है, तो आज मैं इसको पूरा आराम देता हूँ, मैं उजल को लेके जाता हूँ स्विमिंग पूल में, और उसके बाद इस ब्लॉग को फिर हम वहीं पे एंड करेंगे। तो सो गाइस, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये यूट्यूब की जर्नी भी मेरी बहुत ही मतलब अप्स एंड डाउन्स पूरी रोलर कोस्टर राइड रही है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कैसे क्या, फाइनली मैं मोनेटाइज होने वाले स्टेज पे आ चुका हूँ फिर से दोबारा से। मैं नहीं, मेरा चैनल, हाँ मेरा चैनल फिर से मोनेटाइज होने के स्टेज पे आ चुका है दोबारा, पहले एक बार हो चुका था, तो दोस्तों प्लीज डीमोनेटाइज भी हो चुका है। हाँ तो अभी फिर से यार आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया है, तो प्लीज सपोर्ट करो जितना हो सके, मतलब अब तो मेरे को लग रहा है मेरी यही अब यही सब कुछ है। YouTube फैमिली इतनी जेन्युइन होती है, जो भी होता है कमेंट्स करके बताते हैं, हमें रिलेट कर पाते हैं और सच्चाई सामने आ जाती है, और नहीं तो भाई इस घर के चार दीवारी के बाद कोई दूसरा बंदा नहीं जिससे आप बात कर सको, तो आजकल भाई ऑनलाइन ही सब कुछ हो गया, जो ऑनलाइन होते हैं ना वो जेन्युइन होते हैं, दीवार के बाहर निकलोगे ना सब फेक मिलेंगे, तो उनसे मुझे यारी दोस्ती करना मुझे कोई इंटरेस्ट है भी नहीं। सो एक तो ये है जेन्युइन, और दूसरे मैं तो हूँ ही। तो अभी फाइनली हम कैफे में आ चुके हैं, क्लब हाउस में, तो मैं अभी ओजी को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, ये स्विंग करेगी, और स्विंग करने के बाद मैं अपने कैफे में बैठ के अपना व्लॉग शूट करूँगा, फिर इसको मैं छोड़ दूंगा, ये अपने स्विमिंग पूल में स्विंग करती रहेगी। तो ये है हमारा सच है स्वीट कैफे, ये कर दो वाला एक छोटा सा करना, ठीक है मैं उसको बुलाता हूँ, खुश हो जाएगी वो, देखो कहाँ खुशी हुई है उसको, पता नहीं अभी मैंने उसको सरप्राइज देने वाला हूँ, ये देखो। को पता ही नहीं अभी, देखो कैसे कैसे फ्रेंडशिप कर लिए, ले ले अपना सरप्राइज, खुश हो जाओ, बैठो बैठो बैठो। यू गाइस सिट देयर, कम, ये एक्साइटेड है, बस स्विमिंग में जाना है इसको, स्विमिंग पूल जाना है। ओ केक ऑर्डर किया मैंने इनके लिए, अगर इनको करने दो शेयर करना है तो, कोई नहीं खाने दो, क्या हो गया, एक स्पून और, हाँ एक स्पून और ले लेता हूँ मैं, एक्सक्यूज मी भाई एक स्पून और दे दो ना, सॉरी आप खा रहे हो, एक स्पून और दे दो ना, वो
दोनों शेयर कर लेंगे साथ में। क्या न्यू फ्रेंड्स बनाएगी? लेट्स गो 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 गो। एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट लड़की की। ओ जी स्लो गो 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 गो। ओह माय गॉड, हाँ गॉगल्स, गॉगल्स लगा, गॉगल्स लगा ले, आंखों में विन होगा नहीं। हाँ वेरी गुड, गो डीपर। ओके ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। हाँ चलो अंदर, अब इसको स्टीम रूम में मैं थोड़ा सा स्टीम देता हूँ। अभी बहुत ज़्यादा स्टीम का इंतजार कर रही, मैं इसको बोला चल चल चल, निकलती नहीं स्विमिंग पूल से। अब स्टीम रूम में इसको स्टीम दूंगा, थोड़ा सा नॉर्मल लगेगा, फिर इसके कपड़े चेंज करा के फिर मैं इसको घर ले जाऊँगा। देखो क्या हालत हो गई। अभी स्टीम दिखाता हूँ मैं आपको। उसे स्टीम ले लिए, माय गॉड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू सून।